प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग एक, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट वन बोलते हैं, आज का अपना प्रकरण है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, इसमें हम पाठ में क्या क्या सीखेंगे एक नजर उस पर डाल देते हैं। प्रकाश का अपवर्तन में हम सबसे पहले रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन, अपवर्तनांक जिसको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, प्रकाश का विक्षेपण डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये चार टॉपिक हम इसमें सीखेंगे। आज हम आपको प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आप जैसा अपने टीवी स्क्रीन पर मोबाइल पर देख रहे हैं, प्रकाश के कारण ही, जैसा आप जानते हैं कि हम समस्त वस्तुएं देख सकते हैं, रात में हम कोई भी वस्तु देख नहीं सकते हैं, प्रकाश के कारण ही हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रकाश के बारे में, इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है जो आप लोगों ने सीखा है, उसका हम पुनरावर्तन करते हैं। ये प्रकाश थोड़ा याद कीजिए, लाइट का है। देखिए, प्रकाश हमारे आसपास की घटनाओं की जानकारी देने वाला संदेश वाहक है। संदेश वाहक, केवल प्रकाश के अस्तित्व के कारण हम सूर्योदय क्या करते हैं बच्चों, सूर्योदय, ये सूर्य जब निकलता है, सूर्यास्त, सूर्य जब ही अस्त होता है, और इंद्रधनुष, ये देखिए इंद्रधनुष है, जैसे प्रकृति के विभिन्न चमत्कारों का आनंद ले सकते हैं, सूर्योदय, सूर्यास्त, इंद्रधनुष, और भी प्रकृति के विभिन्न जो चमत्कार है उसका आनंद हम किसके कारण ले सकते हैं बच्चों, प्रकाश के कारण ले सकते हैं। हमारे आसपास की सुंदर विश्व के हरे भरे बंद, रंग बिरंगे फूल, दिन में नीला दिखने वाला आकाश, अंधेरे में चमकने वाले तारे तथा हमारे आसपास की कृत्रिम वस्तुएं भी हम प्रकाश के अस्तित्व के कारण ही देख सकते हैं। प्रकाश दृष्टि की संवेदना निर्मित करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश दृष्टि की संवेदना निर्मित करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश, आप जैसे सभी लोग जानते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसी कारण यदि प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शक वस्तु आ जाती है तो
उस वस्तु की छाया बनने लगती है। बच्चों उस वस्तु की क्या बनने लगती है? छाया बनने लगती है। हमारे आसपास के विभिन्न प्रकार के पृष्ठ भागों से प्रकाश का होने वाला परावर्तन भिन्न होता है। चिकने और समतल पृष्ठ भाग से प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है, जबकि खुरदरे पृष्ठ भाग से प्रकाश का अनियमित परावर्तन होता है। ये देखिए, प्रकाश का नियमित और अनियमित परावर्तन हम आपको दिखा रहे हैं। समतल भाग से नियमित परावर्तन होता है, असमतल भाग से अनियमित परावर्तन होता है। ये देखिए, जो विभिन्न प्रकार के पृष्ठ भाग हैं, समतल भाग से प्रकाश का परावर्तन नियमित होता है और असमतल भाग से प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? अनियमित होता है। देखिए, थोड़ा याद करेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन का क्या अर्थ है। प्रकाश के परावर्तन का क्या अर्थ है? हम लोगों ने नवीं कक्षा में सीखा है, किसी एक पृष्ठ भाग पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं। टकराती, देखिए पृष्ठ भाग है बच्चों, यहां पर ये पृष्ठ भाग है, इस पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो उसकी जो दिशा होती है, दिशा इधर है, देखिए दिशा इधर होती है, तो उसकी दिशा बदलती है और वे वापस लौट जाती है। इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं? तो बच्चों, आपतन कोण, ये देखिए आपतित किरण जो होती है इंसिडेंट रेज, इसका जो कोण थीटा आई बनता है, ये कोण जो थीटा आर होता है रिफ्लेक्टेड रेज के, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही प्रतल में होते हैं। ये देखिए आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये नॉर्मल जो लिखा है ये अभिलंब है। तीनों क्या होते हैं बच्चों? एक ही प्रतल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही प्रतल में स्थित होते हैं। तीसरा नियम क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत ओर होती है। ये देखिए अभिलंब है, आपतित किरण इस साइड है और परावर्तित इस साइड है, तो दोनों अभिलंब के क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। देखिए बच्चों, लिखा है इंसिडेंट रेज है और ये रिफ्लेक्टेड रेज है और ये नॉर्मल, बीच में अभिलंब है, तो दोनों किरणें क्या होती हैं? एक ही प्रतल में तो होती हैं, लेकिन आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही प्रतल में होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत ओर होती हैं। ये अभिलंब है, एक साइड आपतित किरण है, दूसरी साइड क्या है? परावर्तित किरण है। तो हम लोगों ने देखा प्रकाश के परावर्तन का क्या अर्थ है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। अब हम चलते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बच्चों, एक हम एक्टिविटी आप बताएंगे, जो आप घर पर है, आप तो लॉकडाउन में, तो आप एक्टिविटी घर पर ही कर सकते हैं। क्या लेंगे बच्चों? एक कांच का गिलास ले लो या कांच का प्लेट ले लो। हमने यहाँ पांच कांच का प्लेट रखा है बच्चों, ये देखिए कांच का प्लेट रखा है और ये 5 रुपए का सिक्का इसमें हमने डाला है, 5 रुपए का सिक्का डाल दिया है। और इसके बाद आप क्या करें, कांच के प्लेट में ये 5 रुपए का सिक्का ले लें। हम आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप क्या करो, ये बर्तन के पास से धीरे धीरे दूर जाओ, बर्तन के पास से धीरे धीरे दूर जाओ। हमने आपका चित्र भी बना दिया है, अब आप यहाँ क्या करो, बर्तन के पास से धीरे धीरे दूर जाओ, धीरे धीरे क्या जाओ, दूर जाओ।
अब वहां पर आप जाओ, इतनी दूरी पर आप चले जाओ जहां पर से आपको सिक्का न दिखाई देता हो। माने ये बर्तन के पास से इतनी दूर चले जाओ, धीरे धीरे जाना, कि जहां से आपको उस स्थान पर जाके यहां पर समझो खड़े हो गए, आपको यहां से सिक्का दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप क्या करो बच्चों, आप इसी सिक्के की तरफ देखते रहिए। आप क्या करिए, सिक्के की तरफ देखिए, अपने आप एक मित्र से कहिए इसमें क्या डालो, पानी लिखा है, एड वाटर, यहां पर लिखा है एड वाटर। लेकिन बच्चों थोड़ी सी सावधानी बरतना है कि पानी इस प्रकार से डालना है कि सिक्के को धक्का न लगे। अब पानी आप डालोगे तो थोड़ी ऊंचाई आने के बाद पानी का स्तर जैसे जैसे आप डालोगे थोड़ा ऊपर उठेगा, तब तक ऊंचाई तक पानी डालो जब आपको सिक्का दिखाई देने लगे। तो आपको सिक्का दिखाई देना चालू हो गया, जहां पर आप खड़े हो सिक्का आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब आप उसमें पानी डालोगे पानी का स्तर ऊंचा आएगा तो थोड़ी देर के बाद आपको पुनः सिक्का दिखाई देने लगता है। तो बच्चों आपने सोचा कि किस कारण से सिक्का जो होता है हमको पुनः जहां पर हम खड़े थे नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई देने लगा। ये जो होता है जब उस पर पानी की सतह के पास पानी से बाहर आते समय जो प्रकाश की दिशा बदलने के कारण ऐसा घटित हुआ है। प्रकाश की दिशा बदलने के कारण ऐसा घटित हुआ है। ऐसा क्या हुआ बच्चों, घटित हुआ है जो हमको सिक्का पुनः दिखाई देने लगा। तो इसे ही बच्चों क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश जब एक पारदर्शक माध्यम से, ये देखिए प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तब उसके संचरण की दिशा क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, और इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए रेज ए से आ रहा है तो ये रिफ्रेक्टेड रेज है, इधर हो जा रही है, और इधर से जा रही है तो इधर हो जा रही है। माने प्रकाश जब एक पारदर्शक माध्यम में से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तब उसके संचरण की दिशा क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। संचरण की दिशा देखिए, एरो हम इधर दिखाए हैं चित्र में, एरो बदल जा रही है, इधर से आ रही है इधर, और फिर इधर से जा रही है इधर। एक माध्यम में है, एक माध्यम में है, और एक माध्यम में है, माध्यम ए और माध्यम बी। इसको हम एक कृति के द्वारा आप समझाएंगे, एक एक्टिविटी के द्वारा आप समझ सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं, हम एक कांच का आयताकार टुकड़ा ले लेते हैं। एक कांच है, एक कांच का आयताकार टुकड़ा है, इस टुकड़े का नाम हम पी क्यू आर एस रख देते हैं, ये लिख लेते हैं नाम। कांच का टुकड़ा है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये क्या है, एस है। बराबर बच्चों, एक कांच का आयताकार टुकड़ा ले लेते हैं जो इसकी रूपरेखा पी क्यू आर एस के बराबर होती है। अब कांच के गुटके की ओर, ये हवा है, ये माध्यम क्या है, हवा है, और ये माध्यम क्या है, कांच है। हवा और कांच दो माध्यम है, इधर भी हवा है, बीच में क्या रखा है, कांच रखा है। अब यहां पर कांच के गुटके की ओर PQ को प्रतिच्छेदित करने वाली, देखिए ये PQ है लाइन, इसको प्रतिच्छेदित करने वाली एक AB किरण, ये किरण का नाम आप रख दो
ये किरण का नाम क्या है? ए बी। ये देखिए इधर रो बना हुआ है, ए बी किरण। आप क्या करो, ए बी किरण ए तथा बी, ये दो पिन की आपतित किरण है। देखिए एक इस पर आ रही है, ये अभिलंब है, बीच में क्या है? अभिलंब है ए। अब यहां से देखिए जा रही है, आगे निकल करके जा रही है, आगे निकल करके जा रही है। तो इसके बीच जो कोण बन रहा है बच्चों, यहां पर देखिए एक कोण बन रहा है, इस कोण का नाम है आई, इस कोण का नाम है आई। और यहां पर जो कोण बन रहा है, यहां पर एक कोण है आर, एक कोण क्या है? आर। अब देखिए यह जो किरण यहां पर आएगी, ये देखिए यहां पर किरण, ये देखिए अभिलंब की ओर क्या हो गई? झुक जाती है। अभिलंब की तरफ क्या हो गई? झुक गई। यहां प्रकाश का जो होता है बच्चों, ये आयताकार जो गुटका है PQRS, ये कांच का गुटका है, गुटके से प्रकाश का दो बार अपवर्तन होता है। पहला अपवर्तन प्रकाश किरण का हवा माध्यम से, प्रकाश किरण का क्या होता है? हवा माध्यम से, हवा माध्यम से क्या हो रहा है? कांच में हो रहा है। पहला अपवर्तन प्रकाश किरण का हवा माध्यम से कांच माध्यम में प्रवेश करते समय कोर पी क्यू के पास, ये देखिए कहां पर हो रहा है? ये बिंदु N, यहां N बिंदु नाम लिख लो N, ये बिंदु N पर हो रहा है। जब हवा से ये किरण आती है पी क्यू पर, यहां पर बिंदु N पर हो रहा है, पास होता है। दूसरा अपवर्तन प्रकाश किरण का कांच माध्यम से हवा माध्यम में एस आर, ये देखिए एस आर है, इसके बिंदु यहां यम पर हो रहा है, यम यहां पर यम आएगा, यम के पास होता है। पहली बार आपतित कोण आई है, पहली बार आपतित कोण, ये देखिए अपवर्तित किरण है, यहां पर अभिलंब है यम, यहां पर हो रहा है अभिलंब पर। तो ये देखिए यहां से ये परावर्तित हो रही है और इसका नाम है सी डी। इसका नाम क्या है बच्चों? सी और डी। इसका नाम क्या हो गया? सी डी। तो यहां पर एक कोण देखिए आई है, एक कोण आई, यहां पर आप सीधा सीधा दिख रहे हैं, कोण आई है। और यहां पर जो कोण बनता है, यहां पर जो कोण बन रहा है, देखिए यहां पर भी कोण बन रहा है और यहां पर भी ऊपर भी कोण बन रहा है, एक कोण है I1, एक कोण क्या है? I1 है। और एक कोण E है, एक कोण क्या है? E। और यहां पर M है, एक बिंदु M है। तो कोण I1 बराबर R के होता है, एक कोण I1, एक कोण I1 क्या है? R के बराबर होता है। एक कोण I1 किसके बराबर होता है? एक कोण R के बराबर होता है। कोण I1 बराबर कोण है R के, कोण I1 बराबर है किसके? कोण R के। और क्या है? E बराबर एक कोण E, एक कोण E बराबर किसके है? एक कोण बराबर है आई के, एक कोण बराबर है आई के। तो कांच के गुटके की दोनों समांतर कोरों पी क्यू और एस आर, ये देखिए दो समांतर कोर ये हैं, पी क्यू और एस आर है, पी क्यू और एस आर के प्रकाश किरणों की दिशा परिवर्तित होने का परिमाण समान है परंतु दिशा क्या है? विपरीत है। इस कारण कांच के गुटके से निकलने वाली निर्गत किरण EMD,
एम और डी जो यहां पर दिख रहा है ये किरणें एम और डी, गुटके पर आने वाली आपतित किरण, आने वाली किरण कौन सी है, आपतित किरण एन है, यहां पर ऊपर दिख रहे हैं आप, आपतित किरण लिखा है एन के समांतर दिशा में होती है, परंतु निर्गत किरण आपतित किरण के वास्तविक मार्ग से थोड़ी सी विस्थापित हुई दिखाई देती है। तो ये देखा आप लोगों ने कि प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, ये एक्टिविटी करके भी आप घर पे तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप अपने टीचर की उपस्थिति में स्कूल में लैब में करके देख सकते हैं। बच्चों यहां पर ये अपवर्तित किरण है, आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण आर है और अपवर्तन कोण यहां पर ई है। अपवर्तन कोण क्या है, ई है। यहां पर दिए गए माध्यमों को युग्म के लिए यहां पर हवा और कांच, हवा और कांच साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वह स्थिर रहता है। साइन आई बराबर साइन आर बराबर होता है कांस्टेंट, साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट। दिए गए माध्यमों के युग्म के लिए यहां हवा और कांच का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है बच्चों, स्थिर रहता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्रतल में हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही प्रतल में हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है बच्चों, एक ही प्रतल में हैं। कि क्या था, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। इसके बाद आगे हम आपको आपतित किरण और अपवर्तित किरण अभिलंब के विपरीत ओर है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण अभिलंब के विपरीत ओर है। ये देखिए आपतित किरण इस साइड है तो अपवर्तित किरण इस साइड है, ये लेफ्ट साइड है, इधर है आपतित किरण, अपवर्तित किरण इधर है और ये बीच में क्या है अपना अभिलंब है। ये क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों एक दूसरे के अलग साइड है। अपवर्तनांक क्या है बच्चों, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। प्रकाश किरण का विभिन्न माध्यमों में जाते समय प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन का परिमाण भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश किरण का विभिन्न माध्यमों में जाते समय प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन का परिमाण भिन्न भिन्न होता है, वह माध्यम के अपवर्तनांक से संबंधित होता है। विभिन्न माध्यमों के लिए तथा एक ही माध्यम के लिए विभिन्न रंगों की प्रकाश किरणों के लिए भी अपवर्तनांक भिन्न होते हैं। निर्वात के सापेक्ष, ये निर्वात है, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष का अपवर्तनांक कहते हैं और माध्यम में प्रकाश के वेग पर अपवर्तनांक निर्भर होता है। माध्यम में प्रकाश के वेग पर अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों, निर्भर होता है। जैसे माध्यम हवा है उसमें अपवर्तनांक अलग होगा,
बर्फ है उसका अर्थोनाद अलग होगा, पानी है अलग होगा, अल्कोहल है अलग होगा, केरोसिन है अलग होगा। तो मतलब कहने का अर्थ यह है किसी माध्यम के जो कोई भी माध्यम हो सबका अपवर्तनांक अलग अलग, हर माध्यम में अपवर्तनांक क्या होता है अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो साइन आई बाई साइन आर जो कांस्टेंट बोलते थे हम, साइन आई और साइन आर का मान क्या होता है स्थिरांक होता है, यन होता है, इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ बोलते हैं। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। दो माध्यमों की सीमा पर लंबवत आपतित किरण जब आई बराबर जीरो होगा तो आर बराबर भी क्या होता है जीरो होता है। यहां हम ये देखिए इस आकृति में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग अगर प्रकाश का वेग v1 एक माध्यम में और प्रकाश का वेग v2 दूसरे माध्यम में है तो उनका जो प्रकाश का वेग दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष जब दूसरे माध्यम का वर्तनांक लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं 2n1। क्या लिखते हैं बच्चों 2n1 इस प्रकार से लिखते हैं अपवर्तनांक, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2 बराबर यहां पर लिखते हैं 2n1, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2। इसी प्रकार दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अगर अपवर्तनांक लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं 1n2 बराबर लिखते हैं v2 अपान v1, यहाँ पर v1 ऊपर था v2 नीचे था, यहाँ पर तो 2n1 था ये 1n2 हो गया। इसी प्रकार दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का अर्थ है 1n2 बराबर v2 अपान v1, v2 अपान v1। यदि पहला माध्यम निर्वात है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, उसे केवल हम किससे लिखते हैं यन से लिखते हैं। यदि पहला माध्यम क्या है बच्चों निर्वात है तो दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है, दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पहले माध्यम में वेग v1 था और ये दूसरे माध्यम में वेग यहाँ पर क्या था v2 था, वेग क्या था v2, एक कोण थीटा वन था और एक कोण थीटा आर था, ये आपतित किरण थी, ये अभिलंब था और ये रिफ्रेक्टेड पर अपवर्तित किरण थी। ये माध्यम पहला था हवा और दूसरा माध्यम क्या था कांच, दूसरा माध्यम क्या था कांच। किस प्रकार से बच्चों जब किरण विरल माध्यम से सघन में माध्यम में जाती है और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और जब विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वह अलग अलग होता है। देख लेते हैं अलग अलग माध्यमों में प्रकाश अपवर्तन कैसे होता है। ये देखिए जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है बच्चों अभिलंब की ओर झुक जाती है, उसका एक गुण है। प्रकाश किरण जब कहां से जाएगी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगी वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। चित्र इसका है, देखिए ये विरल माध्यम है हवा है और ये सघन माध्यम कांच है तो ये अभिलंब है, ये क्या है अभिलंब है, ये किरण क्या होती है इससे दूर नहीं जाती है अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये गुण है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है।
ये देखिए इंसिडेंट रेस, और ये डेंसर मीडियम है, एक रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम को क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम को विरल माध्यम और डेंसर मीडियम को सघन माध्यम। इधर देखिए ये रिफ्रैक्टेड रेस जो होती है वो अभिलंब की तरफ झुक गई। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, सघन है इसको बच्चों पढ़ना, सघन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये देखिए ये अभिलंब से दूर हटती हुई दिख रही है, अभिलंब से दूर, ये कोणाई है, कोणार, ये अभिलंब से दूर जा रही है, अभिलंब है, ये माध्यम कांच है सघन, और ये विरल माध्यम क्या है? हवा। विरल माध्यम क्या है? हवा। ये देखिए दिख रहा है इधर, ये नॉर्मल है, अभिलंब है, अभिलंब से दूर जा रही है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय माध्यम की सीमा पर लंबवत आपतित होती है तो उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती, अर्थात उसका अपवर्तन नहीं होता है। ये सीधा सीधा देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यह नहीं है इसमें, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय माध्यम की सीमा पर देखिए लंबवत आपतित होती है तो उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती। देखिए कोई दिशा परिवर्तित नहीं हो रही, एकदम सीधा सीधा आ रही है, अर्थात उसका अपवर्तन नहीं होता। उसका अपवर्तन क्या होता है? नहीं होता। तो बच्चों हम लोग क्या सीख रहे थे? प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन के बारे में देखा, अपवर्तन के नियम के बारे में देखा, और अपवर्तनांक के बारे में भी देखा। अपवर्तनांक के बारे में, प्रकाश हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिना उसके हम कोई भी वस्तु देख नहीं सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है उसके बारे में भी हम लोगों ने सीखा, क्या क्या नियम है। आगे बच्चों हम अगले वीडियो में, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, आकाश में इंद्रधनुष उगता है, ये सब किस कारण से होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक प्रश्न ले लेते हैं, यदि पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.36 है तो प्रकाश का पानी में वेग कितना होगा? प्रकाश का निर्वात में वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पर v1 वेलोसिटी जो हमने फार्मूला आपको बताया, v1 बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया है। इसके बाद यहाँ पर n दिया है अपवर्तनांक, ये देखिए अपवर्तनांक दिया है 1.36। इस पर एक फार्मूला है vn बराबर v1/v2, n बराबर v1/v2। तो यहाँ पर v2 निकालना है बच्चों, देखिए बहुत ही आसान है, n बराबर v1/v2 है, v1 दिया हुआ है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो 1.36 बराबर 3×10⁸ बटे v2, v2 बराबर हो गया 3×10⁸ बटे 1.36। इसको आप हल करेंगे तो बराबर आएगा 2.21×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मैंने निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है, प्रकाश का पानी में वेग कितना होगा इसको हम निर्वात में दिया है, तो v1 दिया है तो v2 निकाल सकते हैं, तो n बराबर होता है v1/v2। तो बच्चों इस वीडियो में ना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।